नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी आर एजुकेशन में। और हम पार्ट लेके आए हैं स्टूडियो में 9। एट पार्ट तक हमने एट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, अब हम पार्ट लेके आए हैं 9। राजस्थान में त्यौहार, राजस्थान के जो त्यौहार है उनसे संबंधित है पार्ट नंबर 9 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती है और मिलती रहेगी। क्योंकि आप लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोज को काफ़ी सारा ढेर सारा वो प्यार दिया था, तो ऐसे ही अपना प्यार है वो बनाए रखिएगा और आगे भी आपका साथ ऐसे ही हमें देते रहिएगा, तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और भी लेके आते रहेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेता। आइए आज की वीडियो, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? ए नाथद्वार, बे उदयपुर, से बूंदी, दे जोधपुर। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? ए नाथद्वार, में बे उदयपुर, से बूंदी, दे जोधपुर। राइट आंसर करते हैं ऑप्शन ए, बैस ए दे। राइट आंसर दें राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर है वो मनाई जाती है। राइट आंसर करके बता दें जो भी इसका राइट आंसर का फटाफट राइट आंसर दिया आपकी दृष्टि से इसका सही आंसर आपको क्या लगता है। जो भी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, जो राइट आंसर है राइट आंसर देते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ए ऑप्शन, नाथद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन से महीने में तीज का त्यौहार है वो मनाया जाता है? ए ऑप्शन है श्रावण में, बे ऑप्शन चैत्र में, से ऑप्शन बैसाख में, और दे ऑप्शन है माघ में। तो कौन सा ऐसा महीना है जिसमें तीज का त्यौहार है वो मनाया जाता है? तो राइट आंसर करके बताएं हमें इसका सही आंसर क्या होगा। जो भी राइट आंसर फटाफट राइट आंसर कर दें, इसका सही राइट आंसर क्या होने वाला है बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। जो भी इसका राइट आंसर फटाफट बताएं, कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? ए ऑप्शन है श्रावण, बे ऑप्शन है चैत्र, से ऑप्शन है बैसाख, और दे ऑप्शन माघ। तो हम इसका राइट आंसर करके बताएं कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। फटाफट हमें इसका राइट आंसर दें, जो भी इसका आंसर फटाफट हमें राइट आंसर दे के बताएं इसका सही आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से। इसका जो भी राइट आंसर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आंसर दें इसका, कौन से महीने में तीज का त्यौहार वो मनाया जाता है। ऑप्शन श्रावण, बे चैत्र होगा, से आपका बैसाख, दे होगा माघ। राइट आंसर करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि से। राइट आंसर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रावण। नेक्स्ट, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? कौन सा ऐसा मौका है जिसके पर्व पर ढूंढ को बांटा जाता है? तो राइट आंसर कर दें इसका सही आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि। कौन सा ऐसा पर्व है जिसके मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? ए नागपंचमी, बे वसंत पंचमी, से दीपावली, दे है होली। कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? ए बैस है या दे। जो भी राइट आंसर फटाफट में राइट आंसर करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि। जो भी राइट आंसर ऑप्शन ए बैस है या दे, राइट आंसर दे फटाफट। जो भी राइट आंसर आपकी दृष्टि से इसका सही है, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन नागपंचमी, बे बसंत पंचमी, से दीपावली, दे होली। तो राइट आंसर दे ऑप्शन ए बैस है या दे। जो भी राइट आंसर आपकी दृष्टि से सही हो बता दें इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा होली है, उसके ऊपर ढूंढ बांटा जाता है, दे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है क्या होगी? गणगौर पूजन की उत्सव तिथि क्या होती है? ए ऑप्शन है चैत्र शुक्ल पंचमी, ब ऑप्शन चैत्र कृष्ण पंचमी, से ऑप्शन चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीय, और दे चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया। राइट आंसर करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि। जो भी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन बे, ऑप्शन सी। राजस्थान के प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है। ए है चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी, ब चैत्र शुक्ल पक्ष पंचमी, सॉरी ब है चैत्र कृष्ण पक्ष पंचमी, स आपका चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया, और द चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया। 84 नंबर, राजस्थान के प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि क्या है? 84 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या बता दें, जिसका राइट आंसर होगा चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया, छ ऑप्शन राइट होगा, द ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में, राजस्थान कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? ए ऑप्शन है नाथद्वार में, वह उदयपुर में, से बूंदी में, दह जोधपुर। तो बताएं राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचा को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? ए नाथद्वार, बे उदयपुर, से बूंदी, दे जोधपुर। राइट आंसर करके बताएं इसका ऑप्शन राइट, ऑप्शन ए बे से या दे, जो भी राइट आंसर फटाफट इसका राइट आंसर दे दें और बता दें सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका सही राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए नाथद्वार।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में वो चैत्र शुक्ल पंचमी है उसको गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? ए नाथद्वार में, बैकोटा में, से बूंदी में, दह जोधपुर में। राइट आंसर चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो कब मनाई जाती है? फटाफट दे राइट आंसर। सही का ए आपका नाथद्वार, बैकोटा, से बूंदी, दह जोधपुर। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हमें करके बताएं इसका सही आंसर होगा क्या होगा आपकी दृष्टि जो भी राइट आंसर। चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो गुलाबी गणगौर है वो कहाँ मनाई जाती है? वो मनाई जाती है आपकी ऑप्शन होगा ए नाथद्वार में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होते हैं नेक्स्ट, और एक मिनट मेरे को लगता है इसकी आओ मोटा हो गया, इसको थोड़ा सा ब्रश को मैं छोटा कर लेता हूँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अंचल जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालने की परंपरा है। ए ऑप्शन है उदयपुर में, ब अवसर बिनहाई में, स अवसर ब्यावर में, और द ऑप्शन है बाड़मेर। अंचल जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालने की परंपरा है वो कहाँ पर बताएं? ए है उदयपुर में है, ब ऑप्शन आपका बताएं, ए ऑप्शन उदयपुर में, बे ऑप्शन है आपका बिनाई में, सह ब्यावर में, और दे ऑप्शन है आपका बाड़मेर में। तो राइट आंसर करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि जो भी राइट आंसर। राइट आंसर करके दे ऑप्शन ए, बे, सह, दे। अंचल जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालने की परंपरा, ए उदयपुर, बे बिनाई, सह ब्यावर, दे बाड़मेर। 87 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर दे अंचल जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालने की परंपरा। फटाफट राइट आंसर करके बताएं इसका सही राइट आंसर क्या होगा इलोजी की सवारी। तो इसका 87 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर, दे ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? ए बौद्ध धर्म से, ब हिंदू धर्म से, सिख धर्म से, द जैन धर्म से। तो बताएं पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है बताएं राइट आंसर करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि जो भी राइट आंसर है आंसर कर दें आपकी दृष्टि इसका सही आंसर क्या होगा। राइट आंसर दें ऑप्शन ए, बै, सही या दें। अंचल जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालने की परंपरा है राइट आंसर करके बताएं 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला आपकी दृष्टि जो भी राइट आंसर हो आंसर बताएं आपकी दृष्टि से 87 नंबर क्वेश्चन का जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालने की परंपरा 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दे नहीं सॉरी कर लिया आपने। पर्युषण पर्व किस धर्म में मनाया? पर्युषण पर्व है वो है आपका जैन धर्म में, द ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 89 विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाइए। ए है गणेश चतुर्थी, ब दीपावली, स है कृष्ण जन्माष्टमी, द गणगौर। तो बताएं ए ऑप्शन द स ए ब, ब ऑप्शन ए ब स द, स ऑप्शन स ए द ब, द ऑप्शन द ए स ब। तो राइट आंसर करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि जो भी राइट आंसर फटाफट में आंसर देखिए बताएं सही आंसर इसका क्या होगा ऑप्शन ए ऑप्शन ब ऑप्शन स ऑप्शन या द। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर द द स ए ब, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? ए है महावीर जी, ब भरतपुर, स ब्यावर, द बाड़मेर। तो राइट निम्न में से कौन सा स्थान है वो पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? ए महावीर जी, ब भरतपुर, स ब्यावर, द बाड़मेर। तो राइट आंसर करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा ए ब स या द। निम्न कौन सा त्यौहार पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? ए महावीर जी, ब भरतपुर, स ब्यावर, द बाड़मेर। राइट आंसर करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा आपकी दृष्टि ऑप्शन ए ब स द। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द बाड़मेर। तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करके हमारा पार्ट नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा इसका 10 नंबर पार्ट होगा। तो 10 पार्ट में आप सभी से दोबारा मुलाकात की, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।